टेलीविजन पर मिस्टर वालिया नाम से मशहूर हुए एक्टर राम कपूर पिछले दिनों अपने फैट टू फिट लुक्स को लेकर चर्चा में आ गए थे और अब राम कपूर एक बार फिर सुर्खियां बन गए हैं। वो लाइमलाइट में तो जरूर हैं, लेकिन इस बार अपने फर्जी बाड़े की वजह से। जी हाँ, राम कपूर पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है और पिछले महीने उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तो क्या अब जेल जाएंगे राम कपूर? वल अब किसने राम कपूर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई और ये पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो राम कपूर पर आरोप है कि उन्होंने कोलाबा में बेस्ट मावी बिजनेस वेंचर LLP नाम की कंपनी से 35 लाख रुपए लोन के रूप में लिए थे। इसे ना चुका पाने की एवज में 21 जून 2017 को उनके खिलाफ कोलाबा पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करा दी गई थी, जिसमें उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। कंपनी का आरोप था कि राम कपूर को उस वक्त पैसा दिया गया जब उन्होंने ये कहते हुए कॉन्टैक्ट किया था कि उन्हें अपने अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को सेटल करने के लिए फंड की जरूरत है, मगर अब तक राम कपूर ने उधार लिया हुआ 35 लाख का लोन नहीं चुकाया है। कंपनी का दावा है कि राम कपूर ने ये लोन पिछले साल लिया था, जिसके बाद अब मावी LLP कंपनी के मालिक ने पिछले महीने यानी सितंबर में मामले से जुड़ी आपराधिक शिकायत कोर्ट में फाइल कर दी है और राम कपूर को भी लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें पैसा जल्द से जल्द चुकाने के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा न कर पाने की स्थिति को देखते हुए अब राम कपूर से कहा गया है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब इस पूरे मामले पर राम कपूर से कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। वल आपको बता दें कि राम कपूर पिछले दिनों अपने स्टनिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खूब चर्चा में आ गए थे। अब देखना होगा कि धोखाधड़ी के इस मामले से राम कपूर कैसे पार पाते हैं।